कहते ना भगवान ही व्यवस्थाएं करते हैं। किसके जीवन में किसको पहुंचाना है ये पहले ही तय कर देते हैं भगवान, पहले से ही तय है। आपको थोड़ा ना पता होता है हमारी पत्नी कौन बनेगी, हमारा पति कौन होगा, कोई पता होता है नहीं। वो पहले से ठाकुर जी लिख कर भेजते हैं कि ये इसके जीवन का साथी बनेगा, ये इसके जीवन की संगनी बनेगी। और कभी टेढ़े मेढ़े मिल जाएं परिवार में, कभी कभी होता है ना कि माता जी ज्यादा अच्छी मिल जाएं, देवी जी जो घर की धर्म पत्नी है हमेशा झगड़ा आदि करें, परेशान करें, तो समझ लीजिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? इसलिए कृपा है कि अगर ज्यादा अच्छी होती तो महाराज आप ठाकुर जी को भूल जाते, प्रभु का नाम नहीं लेते, उनके समक्ष नहीं जाते। कम से कम घर परिवार से थोड़ा बहुत यदि व्यक्ति को परेशानी मिलेगी तभी वो हरि का स्मरण करेगा। याद रखिए, जीवन में जब तक दुख नहीं मिलेंगे हम कभी हरि को याद करना कब चाहते हैं? जीवन में दुख आते हैं जब कहीं कोई नहीं दिखता कि इनको कोई हल करने वाला नहीं, तब उंगली कहाँ उठती है? फिर प्रभु की ओर उठती है। जब तक सुख मिलते रहेंगे तब तक सब नाते हमें प्रिय लगते हैं। जब उनकी हकीकत जानते हैं तब हमारी उंगली ऊपर वाले की ओर उठ जाती है। और ये सच्चाई है, ये सत्यता है कि वास्तविकता में यदि कोई अपना है, संत हमेशा समझाया करते हैं भैया हमारे यदि कोई हैं तो ठाकुर हैं, हरि ही हमारे हैं। लेकिन ये बात हमें अच्छे से समझ नहीं आती। जब भोग लेते हैं, जब देखते हैं कि हर एक रिश्ता एक समय तक ही है, माना कि माता पिता अपने बालक का कल्याण ही चाहते हैं, उसे कभी दुखी नहीं देख सकते। लेकिन कभी कभी जब ऐसी चीजें भी समक्ष आ जाती हैं कि जो आपके अपने हैं वही किसी समय आपके समक्ष विपरीत होते दिखाई देते ना, जीवन में यदि कोई सत्यता है किसी रिश्ते में तो केवल एक हरि का ही रिश्ता है, एक ईश्वर का ही रिश्ता है जो कभी आपसे बदलता नहीं है। आप चाहे 10 साल बाद याद करें, चाहे 50 साल बाद याद करें, आपका मन होना चाहिए उन्हें याद करने में, वो उतनी ही तेजी से संबंध आपका जुड़ जाएगा। लेकिन एक रिश्ता 10 साल बाद बिगड़ा हो और आप 10 साल बाद मनाने की कोशिश करने, बड़े यत्न करने पड़ेंगे आपको उस रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, शायद माने ना माने। तो यहाँ के जो रिश्ते हैं केवल शरीर से ही हैं, शरीर धन आदि पद आदि इनसे ही जुड़े हैं। ये शरीर है तब तक सारे रिश्ते हैं, हाँ या ना? कैसे समझोगे? ऐसे समझें जब तक ये चल रहा है तब तक सब आपसे हालचाल पूछने आ जाएंगे, भैया कैसे हो, सब घर में ठीक है, माता पिता कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, घर में पत्नी बच्चे कैसे हैं। शरीर राम जी समाप्त हुए, ये शरीर यहीं की यहीं गिरा तो क्या होगा? फिर कोई मुर्दे को पूछने जाता, भैया कैसे पड़े हो, सब ठीक ठाक है? क्यों? क्योंकि उसमें बोलने की वो सामर्थ्य नहीं है। शरीर है तब तक ये रिश्ते हैं, शरीर के बाद फिर नहीं बनाएंगे। ये कोई पहली बार थोड़ा ना बना रहे हैं, आपने इस जन्म में कोई पहली बार थोड़ा ना बनाया। अनंत अनंत जन्मों में न जाने कितने रिश्ते छोड़े हमने और कितने हर बार बनाए हैं। हर बार जन्म लेके एक नया रिश्ता बनाते, नए माता पिता बनाते, नया सब कुछ होता है। अगर ये पूर्व जन्म की बात है हमें याद आ जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी महाराज। आपको पता चल जाए कि पूर्व जन्म में जो पड़ोसी है वो हमारा बेटा था, ये जो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अब पहले हमारी थी, अब देखो उसको कोई और लेके जा रहा है, तो फिर झगड़े फसाद हो जाएंगे, बवाल मच जाएगा। इसलिए प्रभु ने नया जन्म देते ही पुरानी चीजें आपको भुला दी हैं। जरा विचार करें, हमें तो इसी जन्म की इतनी टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर के,
कुछ महीने पहले किसी के साथ कुछ हुआ तो उसी को लेकर पूरे दिन बैठे रहते हैं, सबको सुनाते रहते हैं, सबको बोलते रहते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए इतने उग्र, इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। जन्मों जन्मों की बात पता चले तो हमारी हालत क्या होगी। इसलिए वो चीजें ठाकुर जी ने भुला दी हैं। कई बार लोग कहते हैं क्या पुनर्जन्म होता है। एक हमारे छह दर्शन हमारे वैदिक हैं और इसी तरह से उनको एक छह दर्शन और अवैदिक माने जाते हैं, यानी हमारे वेदों से जिसका